हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सीए जयदीप ठक्कर। आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी चैनल पे। यहाँ पे आज हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक मैंने वीडियो अपलोड किया था 29 अगस्त को, जिसमें मैंने बताया था स्कूल ओपनिंग, स्कूल रीओपनिंग न्यूज के बारे में। यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन गाइडलाइंस इश्यू किया है, एसओपीज फॉर पार्शियल रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स फॉर स्टूडेंट ऑफ 9 to 12th क्लासेस ऑन अ वॉल्यूंटरी बेसिस। अब इसका मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। आज ही यहाँ पे 8 सितंबर, आज ही यहाँ पे नोटिफिकेशन गाइडलाइंस इश्यू हुए हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस आई थी गवर्नमेंट की 29 अगस्त को, अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस आई थी उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला था यहाँ पे कि स्कूल, कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन विल बी क्लोज टिल 30 सितंबर। लेकिन बाद में इसमें क्या लिखा था, इसमें क्या लिखा था कि यहाँ पे स्कूल को 21 सितंबर से अलाउ किया जाएगा ओपन होने पे ऑन अ वॉल्यूंटरी बेसिस। वॉल्यूंटरी बेसिस पे यहाँ पे अलाउ किया जाएगा और गवर्नमेंट इसके लिए एसओपीस अपलोड करेगा, एसओपीस बताएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, 21 सितंबर से बोला था कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12th में बी परमिटेड टू विजिट स्कूल्स वॉल्यूंटरी बेसिस, और इसके लिए वो उनको पेरेंट्स की कंसेंट रिटर्न में चाहिए होगी, उनके पेरेंट्स की रिटर्न में कंसेंट अप्रूवल परमिशन चाहिए होगी, तभी वो आ पाएंगे। यानी कि अगर उनको कोई गाइडेंस चाहिए तो वो 21 सितंबर से आ सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला था कुछ एसओपीस, कुछ प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने होंगे, कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने होंगे। तो वो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने इशू कर दिए हैं। क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि स्कूल्स पहले तो किसके लिए होता है, स्कूल्स को क्या इंश्योर करना है, स्कूल जो भी ओपन हो रहे उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, टीचर्स, इनको क्या फॉलो करना होगा, स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी के लिए। तो यहाँ पे ये वॉल्यूंटरी बेसिस पे है, वॉल्यूंटरी बेसिस पे 9th से 12th तक के स्टूडेंट वॉल्यूंटरी बेसिस पे, जस्ट अ सेकंड, हाँ वॉल्यूंटरी बेसिस पे वो स्कूल अपने टीचर से अगर उन्हें कोई गाइडेंस चाहिए 9th से 12th तक के स्टूडेंट, तो वो स्कूल जा सकते हैं। लेकिन उनके लिए, इसके लिए इनको पेरेंट्स की रिटर्न में परमिशन चाहिए होगी, तभी वो अलाउ किया जाएगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी बोलता है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग अगर पॉसिबल है तो प्लीज इसे कंटिन्यू कीजिए, एनकरेज कीजिए। कुछ जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स है, क्या क्या जनरल मेजर्स क्या है। सबसे पहले आप सभी जानते हो फिजिकल डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 फीट हैज टू बी मेंटेन। उसी के साथ साथ फेस कवर मास्क कंपलसरी है, मैंडेटरी है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग फॉर एटलीस्ट 40 to 60 सेकेंड्स। उसी के साथ साथ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। ये कुछ क्या है जो आपको कंपलसरी जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स है जो आपको फॉलो करना है अगर आप स्कूल जाना चाहते हो तो। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहले बिफोर ओपनिंग ऑफ द स्कूल, तो स्कूल के लिए कुछ गाइडलाइंस है, क्या क्या है। वही एरिया में स्कूल ओपन अलाउ किया जाएगा जो आउटसाइड कंटेनमेंट जोन में है, मतलब वो जो ऐसे ही स्कूल्स को अलाउ किया जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। उसी के साथ साथ स्कूल के लिए तो यह है, प्लस वही स्टूडेंट को और टीचर को अलाउ किया जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में नहीं रहते हैं। स्टूडेंट और टीचर्स वही अलाउ किया जाएगा जो कंटेनमेंट जोन से बाहर है। तो ये कुछ हो गया यहाँ पे स्कूल्स के लिए बिफोर ओपनिंग अप द स्कूल। उसके बाद यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, अगर आप स्कूल में जाते हो तो सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, उसके भी कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, साथ ही में आपको कंपलसरी मास्क पहनना पड़ेगा, मास्क आपको कंपलसरी हो जाता है, फेस कवर कंपलसरी है। दूसरा, जब जो हम स्कूल में करते हैं, नोटबुक, पेन पेंसिल, इरेजर, वाटर बॉटल जो हम शेयरिंग करते हैं वो बिल्कुल मना किया गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये उन स्टूडेंट के लिए है जो 9th से 12th के, उन स्टूडेंट के लिए जो वॉल्यूंटरीली स्कूल जाना चाहते हैं और जहाँ पे उनके पेरेंट्स की उनको रिटर्न में परमिशन चाहिए होगी। तो ये कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगर चाहे तो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। मुझे पता है आप सभी लोगों की यहाँ पे स्टडी बहुत इफेक्ट हुआ होगा, सो आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, जो आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स देगा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप लाइव पढ़ाई कर सकते हो, अपने घर पे बैठ के लाइव पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जैसे कि कई बार हमें डाउट रहते हैं तो फिर आपको ये होगा कि डाउट कैसे सॉल्व हो गए, तो यहाँ पे एवरी 4th सेशन डाउट क्लियरिंग सेशंस रहता है जिसे आपके सारे डाउट्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। मेंटर एंड गाइडेंस, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए यू कैन आस्क। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। मैं अभी कॉमर्स 11th 12th में अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, कॉमर्स 11th 12th में।
तो वहां पे सभी स्टूडेंट्स के लिए हम आंसर राइटिंग सेशन सारी चीजें रखते हैं, पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ पे लाइव टेस्ट सीरीज होती है, मेगा क्विजेस होती है, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, बहुत इसके बेनिफिट्स हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज जो मुझसे अकाउंट्स पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए है 9 से 12 तक के। तो यहाँ पे अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव पढ़ाई करना चाहते हो तो यहाँ पे इस कोर्स से आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस जयदीप 44, जिससे आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, फीस में आपको 10% ऑफ मिलेगा 9 से 12 तक के। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अगर आप 9th के स्टूडेंट हो, सोचो तो जैसे आप 9th का सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसी के साथ साथ आपको 10, 11 एंड 12 सभी के कोर्सेज आपको एक्सेस मिल जाएंगे। यानी कि 9th के साथ आप अपनी 10th की भी पढ़ाई कर सकते हो, 11th के स्टूडेंट हो तो 11, 12 दोनों आप पढ़ाई कर सकते हो। सो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है अनअकैडमी प्लस का। 11, 12 ये सेम प्राइसिंग, सेम वैल्यू, जयदीप 44 से आपको 10% ऑफ मिलेगा। सो आप चाहे तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, और यह है कुछ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ से आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ वीडियोज हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।